अगर आप बैंक पेंशनर हैं और हेल्थ बायोटेक में जो एस्क्रेसिया का प्रोविजन किया गया है एमओयू में, उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 8 दिसंबर को ट्वेल्थ बायोटेक साइन किया गया, जिसमें कि पेंशन अपडेशन के बजाय पेंशनर्स के लिए एक्सग्रेसिया का प्रोविजन करने की बात की गई। दोस्तों, एक्सग्रेसिया की बात जैसी शुरू हुई तो सोशल मीडिया में काफी कंट्रोवर्सीज फैल गई और जितने भी रिटायरीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 7 दिसंबर के एमओयू साइन होने से पहले भी उनको अंदेशा था कि किसी प्रकार का कोई एक्सग्रेसिया का प्रोविजन किया जा रहा है बजाय कि पेंशन अपडेशन के। तो उन्होंने कई पत्र आईबीए को लिखे, डीएफएस को लिखे, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखे, यूएफबी को लिखे, लेकिन अंत में जो एमओयू साइन हुआ उसमें पेंशन अपडेशन के बजाय एक्सग्रेसिया देने की बात की गई, जिस पर के कोई डीए भी नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस एमओयू साइन होने पर सारे पेंशनर्स में एक एंजाइटी और ज्यादा बढ़ गई। संबंधित कोई वीडियो जारी करते हैं तो लोगों के हजारों प्रश्न आते, उसमें से काफी लोग, एक मेजोरिटी ऐसी है जिस जो कि इस एक्सग्रेसिया के क्लॉज को क्रिटिसाइज कर रही है और यूएफबी के घटक को भी प्रति काफी रोष व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ये मानते हैं कि एक्सग्रेसिया मिल गया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि वो ये कहते हैं कि जो एक्सग्रेसिया जो दिया गया है उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है और पेंशन अपडेशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों, मैं इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए अपनी तरफ से जो बताना चाहता हूँ, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, जो खास तौर पे रिटायरीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये मानना है कि एक्सग्रेसिया के बाद आईबीए अपनी ओर से कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एफिडेविट दे सकता है कि हमने एक्सग्रेसिया दे दिया तो अब अपडेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जो लोग ये सोचते हैं कि हमें जो कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो एक्सग्रेसिया मिलेगा वो तो सीधा मिल जाएगा, उसको हम ना रिफ्यूज कर सकते ना मना करेंगे और वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो अपडेशन का जो हमारा इशू है उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहनी चाहिए। जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, उसी कैटेगरी में अपने आप को मानता हूँ कि एक्सग्रेसिया का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। जो कुछ भी यदि आईबीए और ईएफबीयू के द्वारा एक्सग्रेसिया की बात की गई है वो पेंशन के रूल्स के अतिरिक्त है, और जो भी अतिरिक्त यदि कोई गवर्नमेंट या कोई एग्रीमेंट से आईबीए देना चाहता है उसको तो स्वीकार करने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये एक्सग्रेसिया इन लieu ऑफ बैंक पेंशन अपडेशन नहीं है, और जो हमारे केसेस चल रहे हैं खास तौर पर दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, एक जो जीओपी द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया केस है जिसमें कि पार्शल डिसीजन हो चुका है एसबीआई का 40-50% पेंशन का, और पार्शली जो अपडेशन का इशू है को डीएफएस की कमेटी ने भी छोड़ दिया था, और दिल्ली हाई कोर्ट अब उस पर बहस करेगा और उस पर निर्णय लेगा। उधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की डेट मार्च में लगेगी, जिसमें कि फुल डे हियरिंग होगी, और फुल डे हियरिंग में जो भी डिसीजन होगा वो एक पत्थर की लकीर होगी, वही डिसीजन फाइनल होगा। और शायद जो दिल्ली हाई कोर्ट में 22 जनवरी 2024 की डेट लगी हुई है हियरिंग की, उसमें आईबीए और डीएफएस और गवर्नमेंट की यही कोशिश रहेगी कि उसकी डेट सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद की रखी जाए या उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला वाला केस है उसका डिसीजन आ जाए तो उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में
एक केरला हाई कोर्ट का केस भी है जिसको कि एक पेंशनर्स के एसोसिएशन जीत चुकी है, और वो एमसी सिंगला के केस के साथ क्लब कराने की कोशिश की गई। हालांकि उसको क्लब नहीं किया जाएगा, लेकिन जब मार्च में हियरिंग होगी एमसी सिंगला केस के साथ ही उनके भी हियरिंग हो सकती है, और वो केस हाई कोर्ट से जीते हुए हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो एमसी सिंगला का केस है और केरला हाई कोर्ट का केस है, और यदि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो करके उसमें निर्णय हो जाता है, ये सभी मिलाकर के एक दिशा निर्धारित करेंगे। तो पेंशनर्स को आज की डेट में अब ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। अगले 3 महीने में एक निर्णायक स्थिति में पहुंच जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पेंशनर्स के फेवर में ही होगा। इस संबंध में फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा एक लेटर जारी किया गया जो कि अपना एक मिक्स्ड रिएक्शन शो कर रहे हैं। मैं उस लेटर को आप लोगों के समक्ष रख करके चर्चा करना चाहूंगा। आइए उस लेटर पर चर्चा करें। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा 10 तारीख को लेटर जारी किया था। हालांकि इसमें ना तो कहीं सिग्नेचर नजर आ रहे हैं और ऑथेंटिसिटी कितनी है ये भी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये सोशल मीडिया में लेटर आया तो मैं अपने एक नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि इस लेटर पर भी चर्चा की जाए। आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। फ्रेंड्स, ट्वेल्थ बाइपार्टाइट सेटलमेंट एक्स ग्रेसिया फॉर पेंशनर्स। इट अपीयर्स दैट योर ब्यू लीडरशिप कुड नॉट अचीव देयर डिमांड फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन एंड एन एंट्रिम मेजर एग्रीड फॉर एन एक्स ग्रेसिया विच विल नॉट अकाउंट फॉर डेयर नेस्टरली। दिस पार्ट ऑफ एग्रीमेंट हैज क्रिएटेड ए मिक्स रिएक्शन अमंग द पेंशनर्स फ्रेटर्निटी इन द बैंकिंग सेक्टर। वी नो दैट द नथिंग लेस देन दैट ऑफ ए जेन्यून अपडेशन लिंक्ड विद सैलरी रिविजन विद क्वेंच द थर्स्ट ऑफ पेंशनर्स, बट वी टेक दिस एज अ स्टॉप गैप एंड प्योरली टेम्पररी अरेंजमेंट। इफ वी गो इन बिटवीन द लाइन्स ऑफ द रिलेटेड क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट वी विल ऑब्जर्व दैट द मेजर इज इफेक्टिव ओनली फॉर द पीरियड ऑफ करंट बाइपार्टाइट एंड नॉट फॉर परपेचुअल वन। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि सिर्फ इसी बाइपार्टाइट के लिए ये एक्स ग्रेसिया का प्रोविजन होगा। फर्दर, द पार्टीज टू द एग्रीमेंट हैव क्लियरली मेंशन्ड द अरेंजमेंट इज विदाउट प्रेजुडिस टू द डिमांड ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशन फॉर अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल रिटायरी। दिस इज ऑब्वियसली एनफ टू डाई डाउन एनी एप्रिहेंशन अबाउट सरेंडरिंग द डिमांड ऑफ पेंशनर्स फेडरेशन एंड द योर ब्यू एज वेल। वी बिलीव दैट योर ब्यू लीडरशिप विल कंटिन्यू विद द फाइट टू अचीव द प्राइमरी डिमांड ऑफ अपडेशन अलोंग विद द पेंशनर्स फेडरेशन। ये ऐसा एसोसिएशन के मन में भ्रम है कि योर ब्यू ऐसा करेगा कि अपडेशन के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा भिन्न विचार है। यह ब्यू ने कहीं पर भी पेंशन अपडेशन के लिए फोर्सफुली अपनी डिमांड नहीं रखी, उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करी है, और दूसरी तरफ यह ब्यू द्वारा ही पिछले 10th और 11th बाइपार्टाइट में स्पेशल अलाउंस का प्रोविजन करके पेंशनर्स के पेट पे लात मारी है, क्योंकि स्पेशल अलाउंस सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। यह व्यू से ये उम्मीद रखना कि वो अपडेशन के लिए अपने एफर्ट्स करते रहेंगे, ये थोड़ा सा मन का भ्रम होगा, क्योंकि यह व्यू ने जो ये एमओयू में ये क्लॉज के लिए साइन किया है ये आईबीए और सरकार द्वारा बैंक पेंशनर्स के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसको कमजोर करने के लिए कोशिश की है, और जिसमें कि यह व्यू ने उनका साथ दिया। इन व्यू द फोरगोइंग
We will request our member not to make comment on subject being swayed by impulse and emotions. Deepak Kumar Basu, General Secretary. वो member से request कर रहे हैं कि impulse और emotions में आप comment ना करें. इस letter में sign भी नहीं है और ना ही कहीं Peterson की official website पे ये letter नजर आ रहा है. तो मुझे इसमें भी संदेह है कि आ ये लेटर ऑफिशियली रिलीज किया गया पैटरसन द्वारा या ये सोशल मीडिया में एक फेक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर घूम रहा है, क्योंकि इसमें जो उम्मीद लगाई गई है यूएफ व्यू से वो पेंशनर्स के विचारों से बिल्कुल अलग है. और शायद एसबीआई फेडरेशन ऑफ एसबीआई एसोसिएशन एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन इस मामले में इस प्रकार का पत्र ना लिखती तो शायद वो ज़्यादा ठीक रहता. इस पत्र में सर्कुलर नंबर या लेटर नंबर भी नहीं है. मुझे कहीं ना कहीं इसमें संदेह हो रहा है कि ये ऑफिशियल लेटर नहीं है. दोस्तों, इस लेटर के कंटेंट से तो ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने इसको डिज़ाइन किया है वो पेंशनर्स की भावनाओं के अनुकूल नहीं है. और पेंशनर्स जो ईएफबीयू के ऊपर विश्वास खत्म कर चुके हैं उस विश्वास को दोबारा नहीं वापस किया जा सकता. और जो ईएफबीयू के पेंशनर्स विरोधी रवैया है उससे तो कभी भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस एक्सग्रेसिया से ये पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है. अभी दोस्तों इसमें पर पेंशनर्स के लिए कितना क्वांटम होगा एक्सग्रेसिया का ये निर्धारित नहीं किया गया. और मेरा अंदेशा है कि जैसे कि एक पिछले एमओयू में प्री नवंबर 2002 के रिटायरीज के लिए 800 रुपये और 450 रुपये का एक्सग्रेसिया शामिल किया गया, शायद उसी स्टाइल में 1000-2000 का कोई अमाउंट होगा जिससे कि कोशिश की जाएगी कि पेंशनर्स का मुंह बंद हो जाए. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा. आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी. अगर ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें और जानकारी के लिए कमेंट करें. फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, बैंक पेंशनर्स के बारे में या गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.